देश की सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत जल्द ही अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वायुसेना के और विमान खरीद सकता है। आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्कों से घटते बढ़ते तनावों के बीच भारतीय वायुसेना को जल्द ही 100 से अधिक लड़ाकू विमान की ताकत मिल सकती है। केंद्र की मोदी सरकार ने वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इनमें से 15% फाइटर जेट्स लड़ाकू विमान विदेशी कंपनियों से सीधे खरीदे जाएंगे और बाकी 85% मेक इन इंडिया के तहत देश में ही तैयार किए जाएंगे। इसके लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत कोई भी भारतीय कंपनी किसी विदेशी कंपनी से करार कर इस टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती है। इनमें से 25% ट्विन सीटर जेट्स यानी ट्रेनिंग के लिए और बाकी 75% सिंगल सीटर है। खबर है कि वायुसेना स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। सेना के पास 42 स्क्वाड्रन रखने की स्वीकृति है, लेकिन इस समय कुल 31 स्क्वाड्रन की सक्रिय रूप में तैनात हैं। पिछले दिनों रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने विमान की कमी पर चिंता जताई थी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।